तो भाई स्वागत है तुम्हारा एक और न्यू वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा क्यों? वो तो तुम्हें पता ही है, तभी तो तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 10 अडल्ट एनिमेस के बारे में, जिन्हें देखकर तुम कुछ ऐसा करने लगोगे। और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो में हर एनिमे पॉपुलैरिटी के हिसाब से है, कोई लिस्ट नहीं है। और ये एनिमे बहुत ज्यादा फेमस है एनिमे फैंस के बीच। दो जो नंबर 10 पर है वो है हाई स्कूल DxD। इस एनिमे में हमें एक लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है जिसका नाम है इसे। भाई ये ऐसा बंदा है कि हर जगह ताका झाकी करता रहता है। और कैसी ताका झाकी, ये तो तुम्हें पता ही लग गया होगा। और जहाँ लड़कियों का चेंजिंग रूम होता है वहाँ तुम्हें ये पक्का मिलेगा। आगे स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की के साथ डेट पर जाता है, और भाई जिस दिन ये डेट पर जाता है उसी दिन वो लड़की इसे मार देती है। लेकिन तब हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन का रीइंकार्नेशन है। और आगे आगे क्या क्या होता है स्टोरी में और स्टोरी कैसे टर्न लेती है, ये तो मैं एनिमे देखने के बाद ही पता लगेगा। तो जो नंबर 9 पर है वो है टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। इस एनिमे में हमें एक टीनेज लड़के की स्टोरी बताई गई है जिसका नाम तोजू बसारा होता है। तोजू बसारा की मदर मर जाती है तो उसका फादर दूसरी शादी कर लेता है और उसको उसकी दो स्टेप सिस्टर मिलती है। लेकिन भाई इसकी दोनों स्टेप सिस्टर डेविल होती है और इनके पास कमाल की पावर्स होती है। आगे चल के हमें ये भी पता लगता है कि बसारा के पास हिडन पावर्स भी हैं। अब इसके पास कैसी पावर्स हैं वो तो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। और अब जो नंबर 8 पर है वो है स्कम विश। और अगर तुमको रोमांटिक एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। इस एनिमे में दो लोगों की स्टोरी दिखाई गई है बहुत अच्छी तरीके से, जिनका नाम होता है मोगी एंड हनाबी। और भाई सच में जब तुम इस एनिमे को देखोगे तो तुम फर्स्ट एपिसोड से ही इसके साथ जुड़ जाओगे, एक कनेक्शन बना लोगे तुम इस एनिमे के साथ। और अब बात करें इसकी स्टोरी की तो मोगी एंड हनाबी रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन तब असली मजा आता है जब तुम्हें ये पता लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। और भाई जो इन दोनों के क्रश थे वो भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को क्रश समझने लगते हैं। इसकी वजह से क्या क्या होता है एनिमे में ये तुम खुद देखना। और अब चलते हैं नंबर 7 पर जो कि है मायोचिकी। तो इस एनिमे के अंदर एक लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है जो लड़कियों से बिल्कुल दूर रहता है। अगर वो लड़की को देख भी लेता है तो वो बेहोश हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और भाई अगर कोई लड़की बंदे के पास आ भी जाती है ना तो उसके मुंह एंड नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यार ये है, जिस स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ता है उस स्कूल के प्रिंसिपल की लड़की इसके बहुत करीब आ जाती है। लेकिन कहानी में आगे जाकर तो ये पता लगता है कि इस एनिमे की मेन कैरेक्टर तो एक लड़की है। और इसके बाद क्या क्या होता है ये तो मैं एनिमे देखने के बाद पता चलेगा। और जो नंबर 6 पर है वो है फूड वॉर। इस एनिमे में हमें कुकिंग से रिलेटेड स्टोरी दिखाई जाएगी और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में काम करता है। और इसका फादर भाई एकदम प्रोफेशनल शेफ होता है। इसका ड्रीम होता है कि अपने फादर से भी अच्छा शेफ बने। और इन सब चीजों को देखकर इसके फादर इसको एक कुकिंग स्कूल में डाल देते हैं जिसमें कुकिंग से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। और उस स्कूल में जाने के बाद ये फूड कंपटीशन लड़ता है। और यार जाहिर सी बात है उस स्कूल में ये इकलौता तो नहीं होगा जो बहुत तगड़ा खाना बनाता है, और इसके स्कूल में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। और अब तुम लोग कह रहे होगे इसमें वो सब कहां है जिसके लिए हम आए हैं, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा जब तुम एनिमे देखोगे। तो जो नंबर 5 पर है वो है किल्ला किल। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के फादर की डेथ हो जाती है और फिर ये अपने फादर के डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये सब करते करते ये एक स्कूल में चली जाती है और ये स्कूल आम स्कूलों से बहुत ज्यादा अलग होता है। और हमारी मेन कैरेक्टर को ये शक था कि मेरे फादर के कातिल इस स्कूल में है, तो क्या ये अपने फादर के कातिल को ढूंढ पाती है या नहीं, या फिर इसके साथ कुछ और ही हो जाता है, ये तो मैं एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब जो नंबर 4 पर है वो है कानाओ के। और इस एनिमे में एक कोटा नाम के लड़के को दिखाया गया है जिसको लड़कियों से बहुत ज्यादा शर्म आती है और ये लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर रहता है। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास की सारी लड़कियां इसके ऊपर पागल हुई पड़ी हैं, और उनमें से दो लड़कियां ऐसी हैं जो इसका अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी मेरा मतलब कुछ भी, जो तुम सोच रहे हो ये वहां तक भी जा सकती हैं। और अगर तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे हो तो एनिमे देख लेना, तब तुम्हें पता लग जाएगा। और जो नंबर 6 पर है वो है किस एक्सिस। इस एनिमे में हमें एक केटा नाम के लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन एक दिन इसकी मदर की डेथ हो जाती है और इसका फादर दूसरी शादी कर लेता है, और उस शादी की वजह से उसको दो ट्विन सिस्टर मिलती हैं, और ये दोनों लड़कियां केटो के प्यार में पागल हो जाती हैं। और स्टोरी में आगे चलते चलते केटो के अंदर भी इनके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और उसका भी कुछ कुछ करने का मन करता है। तो अब एनिमे में ये देखना बाकी रह गया है कि कौन कहां कितने जलवे दिखाता है। और अब जो नंबर 2 पर है वो है हागानाए एनिमे। इसमें भी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो स्कूल का ही लड़का है, और स्कूल में होते हुए भी इसका कोई फ्रेंड नहीं है। और आगे स्टोरी में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो बिल्कुल उसी की तरह होती है, और फिर वो दोनों आगे चल के फ्रेंड्स बन जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक ऐसा क्लब खोलेंगे जिसमें वो अपने जैसे लोगों को शामिल कर सके। और फिर यार धीरे धीरे इनके क्लब में बहुत सारे लोग शामिल होने लगते हैं। आफ्टर ऑल इस एनिमे में ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर तुम्हें बहुत हंसी आने वाली है। इस एनिमे को तो तुम एक बार जरूर ट्राई करना। एंड देन जो नंबर 1 पर है वो है प्रिजन स्कूल। और ये एनिमे बेस्ट इची एनिमे है, और इसके अंदर कॉमेडी तो इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा हंस-हंस के पेट फट जाएगा, और इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और यार मेरा मानना यह है कि इस एनिमे को तुम खुद ही देखो तो ही ठीक है, मैं तुम्हें कोई स्पॉइल नहीं करना चाहता। इस एनिमे को तुम खुद ही
ट्राई करो। तो यही थी टॉप 10 अडल्ट एनीमे जिन्हें तुम्हें एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।